Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. My friends, मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का अजय देवगन की फिल्म शैतान के डे नंबर 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड द क्रेजी एडवांस बुकिंग एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? शैतान इस तरह से बॉक्स ऑफिस पर चल रही है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री किसी के समझ के बाहर है। ये फिल्म कहाँ जाकर रुकेगी, ये फिल्म लाइफ टाइम कितना कमाएगी, अब फिलहाल इसका मंडे जो है वही डिसाइड करेगा। तो गाइस, शैतान जैसी फिल्म के लिए डबल डिजिट ही ऑन एनी गिवन डे, मैं सिर्फ ओपनिंग ही नहीं कह रहा हूँ, कमाना यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शैतान के लिए 15 करोड़ रुपया किसी भी दिन कमाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एंड अगर मैं आपसे कहूँ कि शैतान अभी 20 करोड़ संडे को कमाने वाला है, इट इज गोइंग कम्प्लीटली क्रेजी। एग्जिबिटर्स ने शैतान में इतना विश्वास डाल दिया है कि कल सैटरडे था, वहां पर 11:55 रात का शो तो रखा था, लेकिन आप सभी लोगों को पता है मंडे जब रहता है, संडे रात को इतनी एडवांस बुकिंग तो कितनी भी रहे लेकिन ओवर द काउंटर इतना जम नहीं रहता। संडे का इवनिंग का जो ऑक्यूपेंसी रहती है उसके बाद रात की ऑक्यूपेंसी गिरती है। डिस्पाइट दैट यहाँ पर एग्जिबिटर्स ने संडे को भी, चाहे मूवी मैक्स हो चाहे वो आइनॉक्स हो, 11:55 PM के शोज आज भी रखे हुए हैं संडे को। द फिल्म इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन मुंबई, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। क्या मुंबई, क्या नवी मुंबई, यहाँ पर सिनेपोलिस नेक्सस जो है नवी मुंबई में, वहां पे 11 से लेकर 7 बजे के शो, 11:55, 12:55, 125, 250, 350, ये सारे के सारे शोज जो है ना वो फास्ट मिलिंग फिल्म मोड पर जो है एक्टिवेट हो चुके हैं एंड सभी जगह। क्या मुंबई, क्या थाने, थाने में भी 11:59 PM का शो है, यानी कि सोच लो रात के 12 बजे का शो है, 11:40 का है, 11:10 का है। एग्जिबिटर्स यहाँ पर पूरा अपना पैसा जो है एंड जनता का वक्त उसको वसूल करना चाहते हैं इस फिल्म को लगाकर। 11:40 के शोज है कई जगह पर, 11:45 के इंसिग्निया के शोज है, 11:45, 11:15, 11:05, 11:30, दे आर होते ना इन कम्प्लीटली शैतान मोड ओवर हियर, क्योंकि ये फिल्म रात को मजा देगी। दिन में तो देखोगे उतना घबराहट नहीं महसूस होगी, रात को ये फिल्म जो है दिमाग में प्ले होती है, स्पेशली जानकी बॉडीवाला का जो किरदार है। इसी नोट पे आज का एपिसोड शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली शैतान क्या कर रही है। डे नंबर 1 एडवांस बुकिंग 4.15 करोड़, 11,850 शोज, सब लोग यू नो 50-50 थे, अच्छी हो तो चलेगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। डे नंबर 2 4.92 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई, 12,295 शोज, ब्रेस योर सेल्फ, द एडवांस बुकिंग फॉर शैतान ऑन डे 3 टूडे संडे इज 5.52 करोड़, 5.52 करोड़ का एडवांस बुकिंग इस फिल्म ने किया है। एंड सैटरडे से लेकर संडे 270+ शोज बढ़े हैं एंड आज का शो काउंट है 12,565 शोज, यानी कि 12,565 शोज है। बात करो टिकट सोल्ड की तो 2,28,200 यानी कि 2,28,200 टिकट्स हैव बीन सोल्ड, एवरेज टिकट प्राइस 198 का है, 200 के कम के नीचे टिकट मिलेगी आपको। ब्लॉकबस्टर प्राइसिंग इस फिल्म की है ही नहीं, फिल्म ने पहले दिन 15.21 करोड़ कमाई की थी एंड कल थैंक्स टू द नाइट शोज, तो रात को एग्जिबिटर शोज ऐड किए ना 11:30, 11:45, 11:55, 11:59, यहाँ पर दूसरा दिन जो है शैतान का 19 करोड़ टच करने की कगार पर है। इंतजार करेंगे इसके ऑफिशियल फिगर का, जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कितना आया और बाद में डिस्कस करेंगे। तो डे नंबर 1 15.21, डे नंबर 2 अर्ली एस्टिमेट्स 19 करोड़ रुपीज, तो भैया डे नंबर 3 कितना होगा, तो भैया इसलिए तो एपिसोड बनाया भाई। ओके, तो बात करते हैं शो काउंट की। दिल्ली एनसीआर कल 1211 शोज थे, आई 1240 शोज है, 10% सुबह को ही है। मुंबई 1085 से 1103 शोज है, 15% राइट इन द मॉर्निंग। पुणे 360 से 374, 19% इन द मॉर्निंग। नमो बेंगलुरु, लुक एट द शॉकर, 268 शोज थे कल और सडनली 313 शोज है, यानी कि थिएटर ओनर्स हैव डिसाइडेड कि शैतान ही लगानी है। 24% की ऑक्यूपेंसी सुबह को, हैदराबाद 183 से 187 हुए, 14%, कोलकाता 299 था 293 है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे शोज बढ़ेंगे, रात को फाइनल शो काउंट दूंगा आपको। 15% ऑक्यूपेंसी अहमदाबाद, 638 शोज से 644,
वो अलग बात है, फिल्म नहीं चल रही है वहां पर, सिर्फ 3% ऑक्यूपेंसी की। ऑब्वियसली ये वश फिल्म जो है गुजराती, उसका रीमेक है। आप लोग ये फिल्म भी देखिए जाकर, उस फिल्म से बहुत हटके इसका एंड जो है उसको क्रिएट किया गया है। चेन्नई 92 से 97 शोज हुए हैं, 28% ऑक्यूपेंसी। सूरत 316 से 329 हुआ है, बट ऑक्यूपेंसी इज ओनली 3। जयपुर 172 से 179, 6%। चंडीगढ़ 123, 8% डिसेंट। भोपाल 122 से 124, 9% ऑक्यूपेंसी है। एंड लखनऊ 207 से 211 है, अर्ली स्टार्ट, 3% ऑक्यूपेंसी है। माय प्रेडिक्शन अ वेरी बोल्ड फॉर शैतान, 20 करोड़ रुपीज। यस, डे नंबर 3 शैतान 20 करोड़ मारेगा, जो कि एक मैड नंबर है इस फिल्म के लिए। सीरियसली बोल रहा हूँ, 20 करोड़ शैतान से किसी भी दिन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड दीज आर मैड क्रेजी नंबर्स विच आर अनएक्सप्लेनेबल। कोई भी मार्केटिंग गुरु या फिर प्रमोशनल एक्सपर्ट या फिर डिजिटल एनालिस्ट, ट्रेड एनालिस्ट, ये फिल्म का ये प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकता। दिस इज कम आउट ऑफ सिलेबस। हॉरर इज अ नीड ऑफ द आवर, पीपल वॉन्ट टू सी हॉरर सुपर नेचुरल फिल्म इन बॉलीवुड। एंड आई थिंक शैतान से ये दौर जो है वो शुरू हो जाएगा, एंड इट विल बी फॉर द गुड ऑफ इट कि हमारे इंडस्ट्री में ऐसी और फिल्में जो है सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म विद अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड सम हॉरर एलिमेंट्स वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। सो अगर ऐसा हुआ, यानी फिल्म 3 दिन में 54.21 करोड़ रुपीज कमा लेगी, अ क्लीन हिट एट द बॉक्स ऑफिस इन जस्ट 3 डेज। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शैतान इज ऑन कोर्स टू टच 100 करोड़ एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके गाइस, सो मच के एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आपसे पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों की निगाहें हैं डे नंबर 2 के ऑफिशियल नंबर्स पर। अब रात को मिलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि डे 2 का ऑफिशियल नंबर कितना आया, 2 दिनों में वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने कितना कमाया है, एंड तीसरे दिन आज संडे क्या हाल रहा अजय देवगन की फिल्म शैतान का। मैं अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।